दोस्तों बातचीत की जाए अपने अगले काम की। दोस्तों अब हम बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की। मेरे दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास, बहुत सारे। और टाइप्स में हमने कई बार अभी तक बातचीत की इंटरनल ऑडिट की। इज दैट सो और नॉट? हमने इंटरनल ऑडिट की बात की। ये वो ऑडिट है भैया जो कंपनी अपने आप करवाती है, अपने लोग लगा के, कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं कर रहा, इंटरनल लेवल पर हो रही है। एक एक चीज की इंटरनल ऑडिट हो रही है ताकि गड़बड़ी के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। अब क्योंकि कंपनी ने खुद ही सब काम करवाया है, इसका मकसद क्या हुआ? कंपनी सोच रही होगी भाई हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही बना रहे, इसमें कुछ अनियमितताएं यानी इररेगुलरिटीज ना पाई जाए, कोई एरर या फ्रॉड हो तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाए। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सॉलिड करना है, इंटरनल ऑडिट अपने आप एक एक चीज की करते रहना है ताकि जब हमें कंपल्सरी ऑडिट करवानी पड़े, जो कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति करेगा, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट है या कभी टैक्स ऑडिट की बात आ गई, तो उस समय हमारे अकाउंट्स हमारी तरफ से कम पूरी तरह से सही हों। क्योंकि हमने यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा दिया कि भाई आप हमारी इंटरनल ऑडिट करो, ये व्यक्ति फाइनेंशियल रिपोर्ट जो लॉ के द्वारा मांगी जाती है वो नहीं बनाएगा, लेकिन कम से कम हमें बता के देगा लो जी मैनेजमेंट वालों देखो आपका काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, ताकि जब आउटसाइड व्यक्ति कोई आए, इंडिपेंडेंट व्यक्ति आए, तो उसके सामने एक तरह से पहले से चेक्ड सारा का सारा सिस्टम मौजूद हो, पहले से ही चेक्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स की जितनी ऑडिट हो वो हो चुकी हो एक तरह से एक लेवल की, और उसे आगे सैंपल टेस्टिंग भी करनी पड़े तो वो एक तरह से हौसले से कर सकता है। लेकिन वो इंटरनल ऑडिट पर पूरी तरह से विश्वास करके काम नहीं करेगा, बट हां उसका उसे सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो मान लीजिए अगर कोई कहता है जी टैक्स ऑडिट कराओ, तो ये भी एक तरह की ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट नहीं है, ये बाहर वाला व्यक्ति करा रहा है, ठीक है। कोई कहता है जी आप अपनी जो ऑडिट सेक्रेटेरियल ऑडिट करा दो कि सेक्रेटेरियल सारे काम ठीक हुए कि नहीं हुए, फाइनेंस ऑडिट करा दो, तो इस तरह की तरह तरह की ऑडिट हमारे सामने आती है। और कुछ ऐसी ऑडिट की बात करूंगा जो कि कंपलसरी नहीं होती, जैसे पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करा दो जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट हो गई, सोल प्रोपराइटरशिप की ऑडिट हो गई, इस तरह से मल्टीपल टाइप्स की ऑडिट आएंगी जिन्हें कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति ही करता है। सो हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है ये टाइप्स ऑफ ऑडिट पर डिपेंडेंट होगा। इसमें सारी की सारी बातें जो करेंगे वो केवल टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में ही करेंगे। अब किस टाइप की ऑडिट हो रही है वो तो है ही ठीक, लेकिन ऑडिट किस लेवल पर होगी, उसका नेचर क्या होगा, कौन सी ऑडिट कराई जाएगी, उसका स्कोप क्या होगा, ये उस कंपनी के साइज पर भी डिपेंड करता है। छोटा साइज है तो भाई छोटे लेवल पे ऑडिट की जाएगी, बड़ा साइज है तो बड़े लेवल पर ऑडिट होगी। अब जरा सोचो कि एक छोटी सी कंपनी जो मान लीजिए पेन बनाती है, केवल पेन बनाने का काम है, एक तो उसकी ऑडिट मान लो, इसका पूरा का पूरा 100 करोड़ का बिजनेस है, वो कोई जी 100 करोड़ का बिजनेस भी छोटी कंपनी, एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि अगली कंपनी रिलायंस आने वाली है जहां पर 200 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, तो उन दोनों की ऑडिट का स्कोप पूरी तरह से डिफरेंट होगा, वहां पर ऑडिट का काम पूरी तरह से डिफरेंट होगा। सो जब भी हम बातचीत करते हैं कि भाई ये मैंडेटरी ऑडिट है, ये लेजिस्लेशन के द्वारा जो है कही गई है कि करनी है, तो उस समय हमें सबसे पहले देखना है भाई बिजनेस का साइज क्या है, हमारा वर्क लेवल कितना है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इंटरनल ऑडिट होती ही है किसी भी हाल में, इस बात को आप समझ लो, किसी भी हाल में वहां पर इंटरनल ऑडिट होती है जो कि बिजनेस खुद करवाता है। सो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें केवल इन्हीं का डिस्कशन होगा। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले एक पूरी रूपरेखा जो हम खींच लेते हैं, फिर एक एक टाइप ऑफ ऑडिट के ऊपर हम बात करेंगे। और जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे सामने चीज आएगी वो इंटरनल ऑडिट होगी, पहले तो उसका मेजर काम होगा, और भी बातें करेंगे। सबसे पहले जरा एक खाका खींच लिया जाए और चेक कर लिया जाए कि हमारा इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या स्कोप है। तो रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया मैंडेटरी होती जा रही है ज्यादा से ज्यादा चीजों की, जिसकी मैंडेटरी नहीं भी होती उनकी भी ऑडिट करवाई जा सकती है। और नेचर और स्कोप किस पर डिपेंड करता है, कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है। उसका साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी सॉलिड ज्यादा रखना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, और जहां जहां लीगल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना पड़ेगा। छोटी कंपनी में ये सब चीजें कम हो जाती हैं।
तो पहले जरा फटाफट से देखते हैं कि कितने टाइप्स की ऑडिट है। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनल ऑडिट, इसे कंपनी का इंटरनल डिपार्टमेंट ही करता है, लेकिन इसको करने के लिए भी कोई एक समझदार व्यक्ति चाहिए, एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए, तो जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और मैनेजमेंट खुद जो है इसका एरिया डिफाइन कर लेती है जी, कि इंटरनली हमें इस चीज की ऑडिट करते हैं करनी है। फिर बातचीत आती है ऐसी ऑडिट की जो कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति करेगा और लेजिस्लेशन जो है उसका एरिया डिफाइन करेगा। यहां मैनेजमेंट डिफाइन नहीं करने वाली, यहां पर लॉ बताएगा जी आपको क्या क्या करना है, क्या क्या काम यहां पर आपने करवाने हैं। तो जैसे सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कि लेजिस्लेशन के द्वारा कंपलसरी ऑडिट है एक तरह से, तो भैया उसमें क्या होगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट के भैया सेक्रेटेरियल वर्क सारा का सारा, जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारी जो कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं, तो भैया वो सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसकी ऑडिट अलग से हो सकती है। कंपनी की फाइनेंस ऑडिट हो सकती है, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वहां पर कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी हो जाती है। कॉस्ट ऑडिट के लिए स्पेशली बिजनेस बता दिए गए हैं, स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज बता दी गई हैं कि इसमें तो कॉस्ट ऑडिट करना कंपलसरी है। तो जब कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा यहां पर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल आ जाएगा, सीएमएस जो होते हैं वो कॉस्ट ऑडिट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, आप देखोगे कि भैया बैंकों में भी तो कितना पैसा जो है लगा होता है, लोगों ने वहां पैसा जमा कराया है, तो क्या वहां पर फंड सारे के सारे सेफ है या नहीं, तो बैंक्स की ऑडिट अलग होती है। अब आप कहोगे कि बैंकों की तो ब्रांचेज ही बहुत सारी होती हैं, तो दोस्तों उनकी ब्रांच की ऑडिट होती है, उनकी हर एक ब्रांच की ऑडिट होती है, जी हां। उसी तरह से इंश्योरेंस ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ट्रस्ट की, सोल प्रोपराइटरशिप की, तो जिसकी ऑडिट कंपलसरी नहीं भी है, कई बार उनकी भी ऑडिट करवानी हो तो वो भी बनाई जा सकती है। तो ऐसे केस में अगर लॉ उनकी रिक्वायरमेंट करता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट कर सकता है, तो एक तरह से लेजिस्लेशन की डिमांड हो गई, तो यहां पर लेजिस्लेशन के द्वारा ही उनका एरिया ऑफ वर्क भी डिजाइन किया जाएगा। तो हमने जितने टाइप्स यहां पर पढ़ लिए, हम एक एक टाइप ऑफ ऑडिट को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम बातचीत करेंगे कि भाई जितने भी ये डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मकसद क्या है, क्यों करवाया जा रहा है, और इनकी जो ऑडिट होगी किस लेवल की होगी, कैसी होगी, ये कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। आइए इसे देख लेते हैं। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, और वो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा बहुत सारे, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, किस तरह की अप्रोच फॉलो की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब चीजों पर ऑडिट डिपेंड करेगी। तो ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट की हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी स्टैट्यूटरी ऑडिट से। तो हमारा जो ये सेशन है जिसमें हमने ये इंट्रो दिया है, इसमें हम सबसे पहले इस स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं, जिसे फाइनेंशियल ऑडिट भी कहा जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट की जब मैं बात करता हूं तो इसका मकसद वही जो भी हम पहले से बात करते आए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यानी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस शो कर रही हैं। इसका मकसद तो यही होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो पर्पस है वो क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट कह लीजिए आप इसे, क्या है इसका पर्पस, दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो भी आप अभी काम करते चले आए हैं बेसिकली ये वही बात है, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कशन ज्यादा होगा। तो क्यों करवा रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट, सच बताऊं तो इस टाइप की ऑफ जो भी ये ऑडिट है ना, इसके जितने भी अब आप भी बातें पढ़ने वाले हैं हम पढ़ चुके हैं, कुछ अलग अलग बातें आएंगी टैक्स में, कॉस्ट में, कुछ उसमें कुछ नई चीज आएगी, बाकी ये सब चीजें एक जैसी हैं। पहला रीजन वो यही है मेरे दोस्तों कि कंट्रोल ऑफ द कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना ये सेम हाथों में है, मैनेजमेंट ही खुद कंपनी को चलाती है, ये बार बार रिपीट कर चुका हूं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही बनाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट वही बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही प्रिपेयर कर रहे हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनके सामने पेश की जा रही है, शेयर होल्डर्स के सामने जनरल मीटिंग में। तो इसीलिए बीच में ऑडिट की आवश्यकता है कि कहीं उन्होंने खुद ही काम गलत किया, खुद ही जैसे चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दी और फिर ओनर्स को मानना पड़ेगा। तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट राय की जरूरत है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन की जरूरत है जो कि ये ऑडिटर काम करके देगा। सो द नीड फॉर फाइनेंशियल ऑडिट अराइजेज एज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी
इज इन द डिफरेंट हैंड्स और ओनर्स अलग हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही बना के दे रहे हैं जो मैनेजमेंट वाले हैं, तो भैया इंडिपेंडेंट व्यक्ति तो चाहिए। तो शेयर होल्डर्स को जो एश्योरेंस चाहिए, जो ओनर को एश्योरेंस चाहिए, वो तभी मिलेगी जब ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होंगी, करेक्ट। तो ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है। फिर ये जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन आ गया, उससे उनकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि उनका ओपिनियन जब ऑडिटर का आ जाएगा वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन है। एक्सपर्ट जब ओपिनियन देगा, हाँ जी हाँ जी इन्होंने जो भी काम किया बिल्कुल सही किया, सत्य वचन है, चलो जी आगे, तो शेयर होल्डर अब उसके कहने के बाद दे कैन पुट ग्रेटर रिलायंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिटर जो है वो इन्हें ऑडिट कर चुका है। तो जो हम बातें कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की या लेजिस्लेशन की, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, ये चीजें वहीं से कवर होती आ रही हैं, राइट। फिर ये तो वो थे दोस्तों जो कि पहले से कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी में भी नए नए शेयर होल्डर्स आते रहते हैं भाई। जब आप बातचीत करोगे किसी एक पब्लिक कंपनी की, तो आपको मालूम है कई लोग उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का इशू हो यानी आईपीओ हो कंपनी का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो भी नए इन्वेस्टर आ जाते हैं, पुराने भी लेते हैं। और अगर शेयर मार्केट की भी बात करें तो उसमें भी शेयर होल्डर्स का आना और जाना लगा रहता है, नए नए इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई ये नया इन्वेस्टर जो उस कंपनी के बारे में नहीं जानता भाई, वो कैसे पहचाने उस बारे में, कैसे रिलाय करेगा? वो देखेगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर वो किसी एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड होंगी तो भैया उसके लिए वो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। वो विश्वास कर पाएगा कि जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी किताबों में शो की जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो की जा रही है, वो सही है, कोई झूठा दिखावा नहीं किया जा रहा, राइट। सो इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ओनली, कि जी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है तो पैसा लगा दो। सिमिलरली इन्वेस्टर्स विश टू इन्वेस्ट देयर मनीज इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ओनली। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं भैया, उधार देने वाले लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स, क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर, ये भी कंपनी पर रिलाय कैसे करेंगे? कंपनी पर रिलाय करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर, और अगर वो ऑडिटेड होंगी तो भैया विश्वास बढ़ जाएगा। फिर उसी तरह से बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, तो भैया टैक्स लेने से पहले वो चेक तो कर लें कि प्रॉफिट सही शो भी किया है नहीं, इसीलिए ऑडिटर का रोल बढ़िया आ गया। एक्सटर्नल ऑडिट के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड है तो उनको विश्वास होगा जो टैक्स निकाला गया वो सही निकाला गया। फिर आप लेबर यूनियंस की बात कर लो या लेबर लेजिस्लेशंस की बात कर लो, क्योंकि जैसे पेमेंट ऑफ बोनस देना है और बोनस प्रॉफिट पर भी डिपेंडेंट होता है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट जो शो किया गया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रहा है, पुराने बैलेंस शीट में शो किए गए प्रॉफिट्स के अनुसार, उन्हीं के जो पीएनएल के द्वारा शो किया उसके अनुसार बोनस की पेमेंट की जा रही है, तो बोनस सही तरह से निकलेगा ये कैसे पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बताएंगी, और अगर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तभी सही आंसर आ पाएगा। उसी तरह से ग्रेच्युटी है या कॉम्पनसेशन है, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, इसीलिए यहां पर न केवल ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स बल्कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी विश्वास इस पर तभी जागेगा जब ये ऑडिटेड अकाउंट्स उनको मिलेंगे। सो दे प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएनएल, करेक्ट। सो ये थी दोस्तों नीड, ये तो नीड थी। अब आते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड ऑडिटर्स। क्या प्रोविजंस हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट को करने वाला व्यक्ति स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाता है, राइट। अब उनके लिए क्या कहा गया है, हमने दोस्तों इसके बारे में पहले भी कुछ ना कुछ बातचीत की हुई है। देखिए, आज कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी ने शुरुआत की तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, पहली एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। कंपनी लॉ में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो जो फर्स्ट एजीएम होती है वहीं पर हमें पहला ऑडिटर, कंपनी के जो फर्स्ट ऑडिटर हैं वहीं पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि ये हमारी कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स होंगे। वो एक फर्म भी हो सकती है जिसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल करके काम कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो कंपनी की पहली एजीएम में क्या करना है, हमने अपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है।
अब ऑडिटर को अपॉइंट करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी लाइफ के लिए वही ऑडिटर हो गया, ऐसा नहीं है। तो पहला जो कार्यकाल होगा उसका बेसिकली 5 साल का होगा। तो फर्स्ट टाइम जब वो अपॉइंट हुआ तो वहां से 5 साल जब गिनेंगे, जो 5 साल पूरे हुए तो जो मीटिंग होगी वो छठी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। फर्स्ट में तो अपॉइंट हुआ, सेकंड मीटिंग तब होगी जब उसको 1 साल हो जाएगा, थर्ड मीटिंग तब होगी जब उसको 2 साल हो जाएंगे, फोर्थ मीटिंग तब होगी जब उसको 3 साल हो जाएंगे, फिफ्थ मीटिंग कब होगी जब उसको 4 साल हो जाएंगे, सिक्स्थ मीटिंग कब होगी जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो जो सिक्स्थ मीटिंग है वहां तक उसकी अपॉइंटमेंट पहले ही हो जाती है। सो होता क्या है, एक तरह से 5 साल के लिए उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है, सेक्शन 139 टू 147 ये सब बातें बताई गई हैं। तो सेक्शन 139 जो है वो इसी की कहानी को बताता है कि भाई कंपनी में जब पहली एजीएम होगी तो वहां पर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में आप किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर लो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो। और ये व्यक्ति कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग। बेसिकली उसको 5 साल हो चुके होंगे जब छठी मीटिंग होगी। सो ये है सेक्शन 139 जिसकी बातें मैंने आपको बताई। लेकिन अब सवाल यह भी आ जाता है कि भाई आप ये बताओ कि आप जिस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है सेक्शन 141 में। सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भैया कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पेपर पास कर लिया और वो उस क्वालिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट के लिए बंदा क्वालिफाइड है, क्योंकि कोई भी कहीं पर जॉब करने वाला व्यक्ति यह काम कर नहीं सकता, उसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, राइट। तो या तो वो खुद अकेला है तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर अगर वो एक फर्म है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैं, वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। यानी अगर वो प्रैक्टिसिंग हैं तभी वो क्या कर पाएंगे, किसी कंपनी का ऑडिट ले पाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट। सो अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि बताइए कि कौन सा व्यक्ति आप अपॉइंट करेंगे एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो केवल वही होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने आईसीआई से पूरी की पूरी ट्रेनिंग ले ली है, जो भी आईसीआई ने बताई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ट्रेनिंग ले ली, पूरे पास कर लिए पेपर फाउंडेशन इंटर और फाइनल के, जो आईसीआई ने ट्रेनिंग स्पेशल बताई है वो भी उसने पूरी कर ली, जीएमसीएस वगैरह साइन उसको मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, चलो भाई आपकी ट्रेनिंग जो है बाहर सीए के अंडर भी पूरी हो चुकी है, जाओ अब तुम सर्टिफिकेट ले लो आके हमारे पास। क्या करना चाहते हो, सीओपी ले लो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी ले लेगा तो अब जाके तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चाहे तुम अकेले करो चाहे फर्म के रूप में करो, पार्टनर्स ले आओ अपने, लेकिन जब कहीं पर तुम अपॉइंट होने जाओगे तो तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टनर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो एफसीएस होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, एफसीएस नहीं सॉरी काट दीजिए उसको बात को, क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, तभी वो क्या होता है, वो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट होते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल है तो अपने नाम से, फर्म है तो फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये था सेक्शन 141। अब आती है दोस्तों बात किसकी, कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर आज स्टैट्यूटरी ऑडिट करने निकला तो उसे पहले से मालूम होना चाहिए भैया मेरे सिर पर ये जिम्मेदारियां हैं, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी पावर है। क्योंकि अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा तो भैया फिर ऑडिट नहीं कर पाएगा। सो एज एन ऑडिटर उसको बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं और पावर के साथ ड्यूटी भी हमेशा दी जाती है, करेक्ट। तो ड्यूटी यहां पर क्या होगी उसकी, कि भैया तुम्हें शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हें शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने जो कहा तुमने मान लिया, हालांकि पैसे तुम्हें कंपनी से ही मिलनी है, मैनेजमेंट के थ्रू ही मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी वैल्यू बना के रखनी है, तुम्हें अपना फेयर व्यू देना है। और आजकल तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर सख्ती इतनी हो गई है कि वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनका सीओपी छिन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री छिन जाएगी, इसीलिए उन्हें बहुत ध्यान करके अपने सारे काम करने पड़ते हैं। पुराने टाइम में कुछ हेर फेर कर लेते थे वो। सो इट कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स विच कंटेन दैट, कि भाई इसको क्या करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ऐसी रिपोर्ट बनानी है
मेंबर्स ऑफ द कंपनी के लिए जिस पर वो रिलाय कर सके, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो उसके द्वारा पूरी तरह से एग्जामिन्ड होंगी। तो इस तरह की पावर ड्यूटीज उसमें डाली गई हैं। ये थी दोस्तों स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब हम चलेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में किस तरह के मेन प्रोविजन जो हैं वो बताए गए हैं कि ऑडिट करते वक्त क्या क्या प्रोविजन होंगे। जैसे कि उसको एक पावर भी दी गई है कि टू आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, कंपनी में जाओ मैनेजमेंट से मांगो कि भैया हमें इसकी ऑडिट करनी है, लाओ जी लाओ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, लाओ जी ये वाउचर लेके आओ, वाउचर अकाउंटिंग वाउचर है, सपोर्टिंग वाउचर है, या बुक्स जो बनाई हुई है लेकर के आओ। अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल ब्रांच खोली हुई है तो ब्रांच के अकाउंट्स लेकर के आओ, और अगर ब्रांच ऑडिट अलग से हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट लेकर के आओ। तो इस तरह से क्या होता है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है वो डिमांड करता है और उसको एक्सेस हमेशा मिला रहता है, राइट। सो हर वक्त जो भी एक रीजनेबल टाइम होता है वो क्या कर सकता है, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ही कैन डिमांड कि लाओ जी लाओ अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, अकाउंटिंग वाउचर्स लेके आओ, एट ऑल टाइम्स ही शुड हैव एक्सेस, जो भी उसे ठीक लगे। फिर जब उसने अपनी रिपोर्ट बनानी है तो क्या देना, भैया ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये तो कई बार बात हो गई। फिर अगर उसने कोई रिपोर्ट बनाई तो उसमें वो क्लीन रिपोर्ट भी हो सकती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट भी हो सकती है, ये सब बातें बता चुका हूं। तो मैंने जो भी आपको बिगिनिंग में सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताया वो सब चीजें यहां कवर होती हैं, वो चीजें रिपीट भी होंगी। उन एग्जाम्पल से मैंने बहुत चीजें आपको इसलिए बता दी ताकि आपको कोई भी नई चीज मुश्किल ना लगे। सो क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर देगा तो अपना क्वालिफिकेशन का रीजन बताएगा कि भैया क्यों आप इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो, ये बात भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको। फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मैंने आपको बताया था, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग करते वक्त उन्हें फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग भी होते हैं कि किस तरह से आप ऑडिट करेंगे, इसको कैसे ऑडिट करोगे, उसको कैसे ऑडिट करोगे, इसकी रिपोर्ट कैसे लिखोगे, तो उनको आप फॉलो करोगे। फिर जब रिपोर्ट दोगे और अगर आपको लगता है कि कोई इसमें फ्रॉड आ गया है तो भैया ऐसे केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को उस फ्रॉड की जानकारी भेजनी है, राइट। सो रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर, अगर उसे सस्पेक्ट लगे कोई फ्रॉड तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को वो चीज पहुंचाएगा। तो ये कुछ मेन प्रोविजन थे किसके, हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट के। तो मेरे भाई ये सब चीजें आपको समझनी है, याद करनी है। हम अपने अगले सेशन में दोस्तों इंटरनल ऑडिट की तरफ रुख करेंगे। ये अगले सेशन में जो काम करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिटेल्ड में हम इसे पढ़ेंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट को जरा पहले कर डाला, और ये इसीलिए पहले किया क्योंकि जितनी बातें हमने पहले की हैं जनरली वो स्टैट्यूटरी ऑडिट से मिलती जुलती थी, लेकिन याद रखिएगा वो एक ऐसी है जो कि लेजिस्लेशन के द्वारा रिक्वायर्ड है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति करता है, और जो इंटरनल ऑडिट है उसे इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं करता, उसे मैनेजमेंट खुद करवाती है, राइट। तो हमने यहां पर थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए वो पॉइंट लिया ताकि आपको पहले वाले जो पढ़ाई की हुई है हमने उससे कनेक्शन हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, इंटरनल ऑडिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।